बट व्हेन इज योर बिजनेस लाइक यू रियलाइज किया लाइक दिस इज एनफ मनी, बिकॉज आजकल की वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में पैसा तो एनफ है ही नहीं. वो तो आपकी एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी, दो घर. अच्छा, न्यूयॉर्क में भी आ जाए, लंदन में भी आ जाए, पेरिस में भी आ जाए. सो व्हाट इज दैट सॉर्ट ऑफ? वो एक इतने बड़ा मेरे से ट्रेजिडी हुई, मेरे साथ ट्रेजिडी हुई. अमेरिका में रह रहा था, अभी यूरोप इंग्लैंड में रहे हैं. अमेरिका में जब रह रहा था 70s का एरिया था, वहाँ पे बड़ी एक कहावत थी और एक ड्रीम चीज़ थी. हर बंदा चाहता था कि इफ़ आई मेक मनी एट 40 आई विल रिटायर. यू रिमेंबर दिस? अभी भी मोर लेस काफ़ी लोग अमेरिका में ये बहुत कहते थे, एट यार इफ़ आई मेक मनी एट 40 आई विल रिटायर, ये कहते थे. वो मेरे सब कॉन्शियस माइंड में पड़ गया. पाकिस्तान में मैं आया 29 ईयर्स एज पे 79 में, और 89 में 90 में आई हैड मेड ऑल द मनी. द बेस्ट हाउस दैट आई कुड ड्रीम मैंने लाहौर मॉडल टाउन में बनाया. द बेस्ट बिल्डिंग और द ऑफिस आई कुड डू मैंने लिया. मर्सिडीज़ वगैरह ली. वो पैसा बहुत था. एंड आई सेड आई विल रिटायर. आई रिटायर्ड. मगर मेरे प्रोजेक्ट्स तो बंद नहीं हो सकते थे ना. वो तो चल रहे थे. बिल्डिंग्स थी, हाउसिंग थी. तो मैंने अपने जो स्टाफ था, जो अपना जनरल मैनेजर था, मैंने कहा तुम संभालो, आई एम रिटायर्ड एंड आई विल जस्ट गाइड यू. वो कह के तो मैं उस वक्त अपने बाप की रिसर्च में चले गया 90 में. 7 years आई वेंट इन टू रिसर्च. और 90 का पूरे 10 साल पाकिस्तान के वर्स्ट बिजनेस था, बिकॉज अफगानिस्तान से अमेरिका चले गया और पाकिस्तान पे प्रेस अमेंडमेंट एंड सैंक्शंस लगा दी. एंड आई डिड नॉट रियलाइज दिस कि यार ये तो इकॉनमी ख़राब हो रही है आगे. बिकॉज आई वाज सो एज ए से सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे कहा आई रिटायर्ड नाउ. आज मैं सोचता हूँ यू कैन नॉट रिटायर, यू शुड नेवर रिटायर. बिजनेस से रिटायर कर लो, किसी और चीज़ में चले जाओ. ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए. तो वो मैं जब रिटायर हो गया तो रिसर्च में चले गया. तो मेरी एक्चुअली टोटल पर्सनैलिटी भी बदल गई. फ्रॉम अ बिजनेस मैन, कहाँ कायदे आज़म, कहाँ रफ़ी पाट, कहाँ रिसर्च, कहाँ उस वक़्त के जितने ज़िंदा लोग थे जो पाकिस्तान मूवमेंट में थे, उनको मैं कराची से लेकर खैबर तक मिलता था. उनसे इंटरव्यूज़ कर रहे थे, उनसे तो मैं पूछ रहा था. और फिर एट काय सर्विस रज़ी वास्ती ने, हिस्टोरियन है कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, जिसने वो किताब लिखी. तो 7 years मैं जब उसमें गया तो आई वॉज नॉट अ बिजनेस मैन एनी मोर एट ऑल. मेरा दिल ही नहीं लगता था वापस, आज भी नहीं लगता. मतलब मेरा स्टाफ, जब मेरा बेटा काम करेगा मैं उसको एडवाइस करूँगा, बट मैं उस पर कॉन्सनट्रेट नहीं कर सकता. तो उससे एक बंदा निकल गया. सो वो जो थी ना अमेरिकन मिथ इन 40 आई विल रिटायर, अमेरिका में तो वो हो सकता है बिकॉज आप रनिंग बिजनेस को बेच देते हैं. यहाँ तो आप नहीं बेच सकते रनिंग बिजनेस को, बिकता ही नहीं है. तो सो आई विल एडवाइज द व्यूअर्स नेवर टू रिटायर, एटलीस्ट इन बिजनेस.